नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अभी लेटेस्ट एक वीडियो में लेकर आया था आरएमसी के नोटिफिकेशन के ऊपर, और आई होप आप सभी लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और काफ़ी बच्चों ने देखा भी है, अपना प्यार भी दिया है, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स भी दिए। आई होप कि पेरेंट्स को भी बच्चों को काफ़ी हेल्प मिली होगी उस वीडियो से। और उसी को देखते हुए एक और नया वीडियो मैं लेकर आया हूँ कि आप आरएमसी का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। ओके, और ये नेक्स्ट स्टेप भी रहता है, आप कैसे प्रोक्योर करोगे आरएमसी का फॉर्म, वो आप लोग देख चुके हो। अब आगे क्या प्रक्रिया रहेगी, आप स्पेसिफिकली आरएमसी का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरोगे, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सारी बारीकियों के ऊपर मैं बात करूंगा। मेरा नाम है सूरज आर्या एंड आई एम द एकेडमिक हेड ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है। मैं एक बार जूम आउट करके आपको पहला पूरा एप्लीकेशन फॉर्म दिखा दूं। ओके, तो इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म आता है और क्या क्या चीजें इसमें लिखी हैं सबके बारे में बात करेंगे, कैसे इसको भरना है उसके बारे में भी बात करेंगे, और सारी डिटेल्स मैं बताऊंगा। एक ही एप्लीकेशन फॉर्म रहता है और उसको कैसे भरना है उसके बारे में तो हम बात करेंगे करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप प्रोस्पेक्टस लेंगे या एप्लीकेशन कम प्रोस्पेक्टस लेंगे, यू विल गेट टू एप्लीकेशन फॉर्म्स। दोनों को भरना जरूरी है और दोनों को ही आरएमसी भेजना जरूरी है। मैं आपको एक भर के बता दूंगा, ठीक है? याद रखना कि ये दो अलग अलग पेजेस नहीं है, एक ही पेज का ये पीछे वाला हिस्सा है, पीछे वाला पार्ट है। ऐसे यू विल गेट टू फॉर्म्स, दो एप्लीकेशन फॉर्म्स मिलेंगे, दोनों को भरना जरूरी है। कभी कभी पेरेंट्स को ये भी डाउट रहते हैं कि सर दो एप्लीकेशन फॉर्म्स अंदर दे रखे हैं तो हमें क्या एक भरना है? नहीं, दोनों ही भर के आपको आरएमसी भेजना है, ठीक है? तो इस तरीके से रहेगा, एक पेज में ये रहता है आगे पीछे, ये पीछे वाला पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है? तो आइए शुरू से देख लेते हैं कैसे हम इसको भरेंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं आपके लिए। ओके, चलिए। तो इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म है, और स्टार्टिंग में ही, इस एप्लीकेशन फॉर्म के स्टार्टिंग में ही आपको एक चेतावनी दी है पेरेंट्स को कि पेरेंट्स हु सबमिट फॉल्स इंफॉर्मेशन और सबमिट फॉल्स और फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ देयर वॉट्स विल बी लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड अंडर आईपीसी एक्ट 420, 467, 468 एंड 471। मतलब अगर पेरेंट्स कुछ गलत इंफॉर्मेशन बच्चों की देते हैं या कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स साथ में लगाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है? तो एक चेतावनी आरएमसी की तरफ से, वो मैंने आपको पहले बता दी है, ठीक है? तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। ओके, सो दिस इज द एप्लीकेशन फॉर्म, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून उत्तराखंड एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे दिया है। और साथ में एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ पेरेंट्स को, कभी वो भी कंफ्यूजन रहता है, अगर पेरेंट्स के पास ऑलरेडी ये फॉर्म है पिछले सेशन का या लास्ट ईयर का, तो वो उसी को भरकर आरएमसी भेज सकते हैं। आरएमसी में एज सच कोई मेजर चेंजेस होते नहीं है, और अगर होते हैं तो आरएमसी इंटीमेट करता है। ओके, अदरवाइज अगर आपके पास कोई पुराना फॉर्म है तो आप उसको भी भरकर भेज सकते हैं, ठीक है? ज्यादा पुराना ना हो, एक साल पुराना चलेगा, लेकिन दो तीन साल पुराना हो तो फिर आप नया मंगवा लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी चेंजेस होते हैं आरएमसी के फॉर्म्स में। ओके, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुराना फॉर्म भी आप भरकर भेज सकते हैं। जैसे अगर आपने मंगवाना है, बच्चे के पास दिसंबर वाला अटेम्प्ट भी है, तो आपने जैसे दो फॉर्म्स मंगवा लिए तो वो अभी जून में भी काम आ जाएगा और वही फॉर्म दिसंबर में भी काम आ जाएगा, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो फॉर्म होगा दिसंबर जून वाला वो दिसंबर में काम नहीं आएगा। पेरेंट्स कभी कभी पूछते भी हैं कि सर उसमें स्पेसिफिक डेट्स या ईयर लिखा रहता है, तो मैं कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, वो ऑप्शन हमें आता है मेंशन करने के लिए, तो वही मैं आपको भी बताऊंगा। तो इस तरीके से फॉर्म है, आई होप आपको दिख रहा है। अच्छा, इस फॉर्म में देखिए, सबसे पहले राइट साइड में आप देख सकते हैं, यू हैव टू अफिक्स योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये जो बॉक्स दिया है इसमें आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाएंगे और नीचे अपने सिग्नेचर करेंगे, ठीक है? तो सिग्नेचर करके मैं दिखाता हूं अपनी। ओके, इस तरीके से सिग्नेचर करेंगे बच्चे, मैं अपने सिग्नेचर कर रहा हूं। ओके, इस बॉक्स में बच्चों ने अपने सिग्नेचर कर लिए। अब सबसे पहले क्या भरना है, इसमें क्या चीजें हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में बच्चों को दिया है कैंडिडेट्स नेम। अच्छा, ये भी इंस्ट्रक्शन दिया है दैट फॉर्म टू बी फिल्ड अप बाय द कैंडिडेट इन हिज ओन हैंड राइटिंग इन कैपिटल लेटर्स। तो बच्चे को अपनी हैंड राइटिंग में और कैपिटल लेटर्स में इसको भरना चाहिए। सबसे अच्छा क्या रहेगा कि आप एप्लीकेशन फॉर्म का पहले एक फोटो कॉपी निकाल लो, फिर आप अपने बच्चों से भरवाओ प्रॉपरली, खुद चेक करो, या आप हमें भी व्हाट्सएप कर सकते हैं चेक करने के लिए। ओके, अगर वो सही रहेगा फिर उसको बच्चा फेयर कर सकता है, ठीक है? ब्लू पेन या ब्लू बॉल पॉइंट पेन या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, जेल पेन नहीं हो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कैंडिडेट्स नेम, जैसे मैं अपना ही नाम लिख लेता हूं कैपिटल लेटर से, ठीक है? ओके, इस तरीके से पहले कैंडिडेट्स नेम आएगा।
ओके एंड देन डेट ऑफ बर्थ सपोज 17th of February, जैसे मैं लिख लेता हूं अभी 2012 सपोज, दिस इज माय डेट ऑफ बर्थ सपोज, ओके प्लेस ऑफ बर्थ वट एवर, जैसे यहां पर मैं देहरादून लिख रहा हूं, जो भी जगह होगी जहां पर बच्चा पैदा हुआ है वो उसके बर्थ सर्टिफिकेट में भी मेंशन होगा, ठीक है, सो प्लेस ऑफ बर्थ, ओके रिलीजन वट एवर विल बी द रिलीजन, अपने अपने रिलीजन को मेंशन कर सकते हैं, नेशनलिटी तो सभी की इंडियन होने वाली है, ओके हाइट, देखिए हाइट आप लोग इसको सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में लिख सकते हैं, जैसे मैं अपनी हाइट लिख लेता हूं, माई हाइट इज 170 सेंटीमीटर, ओके तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको अपनी हाइट फीट या इंचेस में मालूम है तो आप इसे कन्वर्ट में कर सकते हो, गूगल में आप सर्च करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप अपनी हाइट को कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपके पास इंच टेप है तो उससे भी आप अपनी हाइट कैलकुलेट कर सकते हो, वेट भी करना जरूरी है, जैसे मैं अपना वेट लिख लेता हूं, ठीक है इस तरीके से आप अपना वेट भी मेंशन कर सकते हैं। अच्छा आई विजन, आई विजन राइट और लेफ्ट का पेरेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर हम क्या करें, हम बच्चों का स्पेसिफिकली टेस्ट करवाएं, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए इस फॉर्म में सारी चीजें पूछी जाती हैं, कोई ऐसा मेडिकल बच्चे का कराना जरूरी नहीं है, तो आप फिलहाल 6x6 लिख सकते हैं, मेंशन लिख सकते हैं इस तरीके से, 6x6 मेंशन कर लीजिएगा, चाहे बच्चे के स्पेक्स क्यों ना लगे हुए हो, क्योंकि बाद में ना ये सारी चीजें तो मेडिकल होता है, बहुत डिटेल्ड एग्जॉस्टिव मेडिकल होता है, तो फिलहाल के लिए फॉर्म में आप 6x6 लिख सकते हैं। जेंडर, जो मेल है वो मेल, जो फीमेल है वो फीमेल, ठीक है। अच्छा स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जैसे मेरा तो उत्तराखंड से है तो मैं आई विल राइट उत्तराखंड, आपका जो भी रेस्पेक्टिव स्टेट्स है, स्टेट है आप उसे मेंशन कर सकते हैं, ओके उत्तराखंड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज यहां पर नहीं आया वो स्टेट का नाम, तो आप नीचे डी भी लिख सकते हैं, इस तरीके से चलेगा, ओके। अच्छा आइडेंटिफिकेशन मार्क, अब इसमें भी कंफ्यूजन रहता है, जैसे आइडेंटिफिकेशन मार्क में मेरा एक कट मार्क यहां पर है, ठीक है, यहां पर आप देखोगे कि मेरी थोड़ी सी जो मुस्टैच है वो यहां पर नहीं आती है, और मेरे कट मार्क यहां पर भी है, बचपन में मेरी यहां पर चोट लगी थी, कोई भी एक कट मार्क में लिख सकता हूं, वैसे आप भी लिख सकते हो, अगर आपका मोल है, जैसे मेरे फेस में यहां पर मोल है, यहां पर मोल है, तो मैं उसको भी मेंशन कर सकता हूं, बॉडी में भी कहीं पर, अगर अगर आपके फेस में कोई कट मार्क नहीं है या कोई मोल नहीं है, बॉडी में है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेरा कट मार्क कहां पर है, मेरा कट मार्क है अपर लिप में ऑन द लेफ्ट साइड ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कट मार्क ऑन अपर लिप, ठीक है, स्पेसिफिकली मेंशन कर सकता हूं राइट साइड या लेफ्ट साइड, ठीक है, अगर एक ही आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो एक भी चलेगा, अगर कोई दूसरा भी आप मेंशन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। अच्छा एग्जामिनेशन सेंटर नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर नेम होगा वो आपके रिस्पेक्टिव स्टेट की कैपिटल होगा, तो आप देख लीजिएगा, वैसे तो यू विल गेट अ लिस्ट, प्रोस्पेक्टस के साथ एक इन्फॉर्मेशन ब्रॉशर मिलता है, जैसे ही आपको फॉर्म मिलेगा तो उसके साथ एक इन्फॉर्मेशन ब्रॉशर मिलेगा, उसमें सारे एग्जामिनेशन सेंटर दिए, तो जैसे मैं उत्तराखंड का हूं तो यहां पर देहरादून में होता है, राइट देहरादून। कोई भी इसमें दिक्कत परेशानी अगर आप लोगों को होगी, पेरेंट्स को, तो आप हमें फोन कर सकते हैं, ओके। कैंडिडेट्स आधार नंबर, सो वट एवर विल बी द आधार नंबर को आप लिख लीजिएगा, ठीक है, आधार नंबर मेंशन करना जरूरी है, फादर और मदर्स आधार नंबर, पापा का या मम्मी का आधार नंबर आप वो भी यहां पर मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर फादर है तो मदर को ऐसे कट कर लीजिएगा, मदर होगी तो फादर को ऐसे कट कर लीजिएगा, ठीक है, किसी भी एक का चाहिए, स्लैश दिया वहां पर। अच्छा ओके, अब आगे बढ़ते हैं, मैं बहुत डिटेल में आपको सारी चीजें बता रहा हूं। अच्छा इसके अलावा फिर अब डेट ऑफ एग्जाम, अब इस बार जून के लिए बच्चे ट्राई कर रहे हैं, तो जून वाला डेट ऑफ एग्जाम 1st and 2nd June, यहां पर लिखोगे आप 2024, और उसका जो टर्म फॉर एडमिशन होगा इट इज गोइंग टू बी द स्प्रिंग टर्म जनवरी में, एंड दैट इज गोइंग टू बी 2025, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जून वाला जो एग्जाम होता है उसका एडमिशन बच्चे का जनवरी होता है नेक्स्ट ईयर, दिसंबर वाले का जुलाई होता है फिर, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो मैं पेरेंट्स से कहता हूं कि जो आप एज देखते हो ना वो इसके हिसाब से देखना पड़ता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन, ओके एडमिशन के अकॉर्डिंगली। अच्छा यहां पर अब आपके फैमिली मेंबर्स, मतलब भाई या बहन की डिटेल्स आएंगी, जैसे सपोज अगर कोई भाई है आपका, ठीक है, जैसे मेरे ब्रदर का नाम मैं लिख लेता हूं,
अपने ब्रदर का नाम मैंने लिख लिया और यहां पर मैं डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर आप डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर सकते हो, सो एंड सो, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी कोई बहन है तो आप अपने बहन का नाम यहां पर मेंशन कर सकते हो, ओके, इस तरीके से। अच्छा, फिर आता है फादर्स नेम। फिर आप नीचे आ जाएंगे तो आपको भरना क्या है, फादर्स नेम, ठीक है। तो फादर का नाम आपको यहां पर भरना है, तो जैसे मैं भरता हूं, ठीक है, मिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली आप, ठीक है। अगर आपके फादर फुल लिखते, जैसे मेरे फादर लिखते हैं डीपी आर्या, मेरे फादर का नाम है दिनेश प्रसाद आर्या, दिनेश प्रसाद आर्या, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स में डीपी आर्या रहता है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता हूं। अगर आपके जो पापा के आधार में अगर पूरा नाम है तो आप पूरा लिखिए, ठीक है। तो अगर पूरा है तो आप पूरा लिख सकते हैं इस तरीके से, लेकिन कैपिटल लेटर्स में ध्यान दीजिएगा। ओके, अच्छा, फादर ऑक्यूपेशन क्या है प्लीज को स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे मेरे फादर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या मेरे फादर की गवर्नमेंट सर्विस है, तो मैं यहां पर मेंशन कर सकता हूं गवर्नमेंट सर्विस, ओके। लेकिन आप प्लीज स्पेसिफिक बताइए तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे मेरे फादर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है तो मैं यहां पर साफ साफ लिखूंगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ओके इन पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ओके, इस तरीके से। अब फादर की एनुअल इनकम क्या है वो अपने फादर से आप पूछ सकते हो, एनुअली पूछा हुआ है, जो भी है। अगर आपको लगता है फादर की एनुअल इनकम इज 12 लाख पर एनम, ठीक है, तो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर 6 लाख जो भी है, वट एवर, वो आप मेंशन कर सकते हैं। फिर मम्मी का नाम, जैसे मेरी मदर का नाम है लक्ष्मी आर्या, तो इस तरीके से कैपिटल लेटर में आप मेंशन करेंगे। और मम्मी का क्या ऑक्यूपेशन है, अगर कोई स्पेसिफिक है, अगर आपकी मम्मी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो प्लीज अच्छे से स्पेसिफाई कीजिएगा, अदरवाइज अगर हाउसवाइफ है तो आप हाउसवाइफ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हाउसवाइफ है तो फिर मम्मी की कोई एनुअल इनकम होती नहीं, मदर्स की एनुअल इनकम क्या होगी, नॉट एप्लीकेबल, तो यहां पर एन ए लिख लीजिएगा, नॉट एप्लीकेबल, ओके। एंड देन यू हैव टू राइट योर परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, कभी कभी क्या होता है कि जहां लोग रहते हैं, जो उनका रेजिडेंशियल एड्रेस होता है वही परमानेंट एड्रेस होता है, तो परमानेंट एड्रेस के बाद जो करेस्पॉन्डेंस एड्रेस आएगा वो सेम होगा। और कभी कभी लोग रेंट पे रहते हैं बाहर और गांव में उनका परमानेंट एड्रेस रहता है, आधार में भी वो मेंशन होता है, तो आप आधार वाला जो परमानेंट एड्रेस है वो यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। सो वट एवर विल बी द परमानेंट एड्रेस, कैपिटल लेटर्स में आप लिखिएगा विद पिन कोड, ठीक है। जैसे यहां का पिन कोड है 248001, पिन कोड जरूर मेंशन कीजिएगा, ओके। अच्छा, इसके बाद आपका एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस आएगा। तो अगर आपको लगता है सेम है, जो आपने परमानेंट एड्रेस डाला है वही मेरा एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस है, एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस का मतलब है जहां आपको एडमिट कार्ड आएगा, ओके, जहां से वो आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। तो वो अगर आपका कहीं और है तो आप वही डालिएगा स्पेसिफिकली। अगर गांव में मेरा परमानेंट एड्रेस है तो मैंने परमानेंट एड्रेस तो गांव का डाल दिया, लेकिन मेरा एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस अगर सपोज देहरादून का है तो मैं यहां पर अपना देहरादून का, जहां पर मैं प्रेजेंटली रह रहा हूं, जहां पर मुझे एडमिट कार्ड चाहिए, ठीक है, तो वो एड्रेस डाल दीजिएगा यहां पर आप इन कैपिटल लेटर, ठीक है, जो आपको चाहिए। और उसी के साथ पिन कोड भी जरूर मेंशन कीजिएगा। अच्छा, साथ ही साथ फिर टेलीफोन नंबर है ऑफिस का, अगर कोई है, वैसे तो आजकल टेलीफोन नंबर रहते नहीं है बच्चों के पास, टेलीफोन नंबर रेजिडेंस का नहीं है, हाँ मोबाइल नंबर आप मेंशन कर सकते हो। जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर लेता हूं 9917633604, ओके। ईमेल आईडी, अब ईमेल आईडी बच्चे बोलते हैं सर कैपिटल में लिखें स्मॉल में लिखें, आप कैपिटल में लिख सकते हैं, दे विल कम टू नो, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कैपिटल में आपको लिख के बताता हूं, मेरी ईमेल आईडी है सूरज 7 आर्या, ओके, @gmail.com। उनको मालूम होता है कि मेल आईडी में सारे जो लेटर्स होते हैं वो कैपिटल नहीं होते, उनको मालूम होता है, तो आप, लेकिन आप कैपिटल में लिखें, दे विल अंडरस्टूड, ठीक है, दे विल गेट योर ईमेल आईडी। अच्छा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल इन विच प्रेजेंटली स्टडिंग, जिस स्कूल में आप प्रेजेंटली पढ़ रहे हो उस स्कूल का नाम और उस स्कूल का एड्रेस। एड्रेस का मतलब ये नहीं कि आप कंप्लीट एड्रेस डालें, आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं डालता हूँ सपोज सपोज कोई स्कूल है डिफेंस, ठीक है, ऐसे ही मैं नाम लिख रहा हूँ डिफेंस पब्लिक स्कूल सपोज, तो मैंने डाला डिफेंस पब्लिक स्कूल, पूरा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमा करके देहरादून, ओके, क्योंकि इतनी स्पेस ही नहीं रहती, तो आपको ऐसा कोई स्पेसिफिक डालने की जरूरत नहीं है, ओके, डिफेंस पब्लिक स्कूल देहरादून, इतना आप डाल सकते हैं। एंड देन क्लास कौन सी क्लास में है, अगर आप अभी सिक्स क्लास में हैं तो वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप सेवेंथ में हैं तो वो मेंशन कर सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी मीडियम है तो हिंदी, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश, अंडरस्टूड, ओके। उसके बाद आपसे पूछा गया है हाउ मेनी टाइम्स अपियर्ड बिफोर आरएमसी एंट्रेंस एग्जाम, कितने बार आपने आरएमसी एग्जाम दिया है। अगर आपने एक बार दिया है तो आप लिखें वन टाइम, दो बार दिया तो लिखे टू टाइम्स, लेकिन आपको स्टेट रोल नंबर डेट एंड ईयर भी मेंशन करना पड़ेगा वो आपने कब दिया, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जिन बच्चों ने एक बार दे रखा है वन टाइम, जिन बच्चों ने दो बार दे रखा है वो टू टाइम्स करके लिखेंगे, लेकिन जो उनका जो रोल नंबर था स्टेट का और डेट एंड ईयर तो मालूम रहता ही है कब वो एग्जाम होता है, वो तो हमें मालूम रहता ही है इस तरीके से, ठीक है। सपोज अगर किसी ने नहीं दिया है तो वो नॉट एप्लीकेबल यहां पर लिख सकता है, जिसका फर्स्ट टाइम है वो नॉट एप्लीकेबल यहां पर लिख सकता है, ओके। अच्छा, स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, अब आपके फिर से सिग्नेचर आएंगे यहां पर, तो मैं साइन कर लेता हूं अपने, ओके। अच्छा, उसके बाद यहां पर आपसे पूछता है ब्रीफ रेज्यूमे ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड बाय द कैंडिडेट फादर और नियर रिलेटिव इफ एनी, अगर आपके कोई नियर रिलेटिव या आपके फादर अगर आर्मी में है तो उनका डिस्क्रिप्शन देना बहुत जरूरी है यहां पर, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे यहां पर, सपोज आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं आपको एक स्पेसिफिकली बता दूं, सपोज आप लिखेंगे माय फादर इज वट एवर रैंक ऑफ योर फादर इज, ठीक है, अगर आपके फादर सूबेदार हैं, आपके फादर नायब सूबेदार हैं, सिपाही हैं, जो भी आपके फादर की रैंक है, हवलदार है, उसको मेंशन करें, और अगर कमीशन ऑफिसर हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, सपोज माय फादर इज कर्नल कर्नल इन सो एंड सो रेजिमेंट, कोई भी रेजिमेंट हो सकती है, सपोज कर्नल इन गोरखा राइफल्स कॉमा पोस्टेड इन, अभी कहाँ पोस्टेड है वो भी मेंशन कर लीजिए, पोस्टेड इन सपोज अगर अभी अल्मोड़ा में पोस्टेड है तो पोस्टेड इन अल्मोड़ा कॉमा उत्तराखंड, ठीक है। तो इतना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप देंगे, और अगर आपके फादर आर्मी में नहीं है लेकिन अगर कोई क्लोज रिलेटिव है आपके आर्मी में तो आप उनके बारे में भी मेंशन कर सकते हैं, और अगर कोई भी नहीं है आर्मी में तो फिर नॉट एप्लीकेबल रहेगा, अंडरस्टूड। ये मैंने एक सैंपल आपको बनाकर दिया है ताकि प्रॉब्लम ना हो बच्चों को ना लिखने में। अच्छा, स्पेशल अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स ऑफ द कैंडिडेट इन अदर फील्ड्स, अब स्पेशल अचीवमेंट का मतलब बच्चा बहुत ज्यादा ही सोचने लग जाता है कि यार कुछ कुछ स्पेशल तो मैंने लाइफ में किया नहीं, अगर आपके कोई कोई भी कुछ भी अचीवमेंट हो आप इसे मेंशन कर सकते हो, अगर आपको गोल्ड मेडल मिला हो, सिल्वर मिला हो, ब्रॉन्ज मिला हो किसी भी फील्ड में, स्पोर्ट्स में, स्कूल लेवल पे या किसी और लेवल पे, तो आप उसको जरूर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। स्पेशल अचीवमेंट स्पोर्ट्स ऑफ द कैंडिडेट इन अदर फील्ड्स, अब मेरा स्पेशल अचीवमेंट क्या है, मैंने 21 किलोमीटर की मैराथन कंप्लीट करी है, मैं उसका फिनिशर रहा हूं, तो मैं वो मेंशन कर सकता हूं यहां पर, ओके। जरूरी नहीं है कि वो स्कूल लेवल पे ही हो, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं आपकी सिटी में, ठीक है, मैराथन, साइकिलिंग कॉम्पिटिशन, और बच्चे बहुत पार्टिसिपेट भी करते हैं, तो उसको आप मेंशन यहां पर कर सकते हैं, ओके। पार्टिसिपेटेड इन सो एंड सो ये मैराथन, ठीक है, कंडक्टेड इन सो एंड सो सिटी, आप उसे मेंशन यहां पर कर सकते हो, ओके। उसके अलावा देन ये तो फिर आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया, तो एज सच इट्स वेरी सिंपल, इसमें कुछ है नहीं खासा। उसके बाद आप यहां पर डेट मेंशन कर लीजिए, ठीक है, सपोज आज है 1st of March सपोज, ओके, 1st of March 2024 एंड द प्लेस इज देहरादून, ठीक है। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर हम फॉर्म जब भेजेंगे तभी की डेट लिखें, कोई बात नहीं यार, डेट आपने अभी लिख दी, अभी फॉर्म भरो अभी की डेट लिख दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अब जब आप ये फॉर्म्स भर दोगे ना,
ठीक है, इस तरीके से आपके पास विल गेट टू फॉर्म्स, दो फॉर्म्स होंगे इस तरीके से, दोनों को भरना जरूरी है, दोनों फॉर्म्स को। अच्छा, फिर यहां पर आपके पेरेंट्स के साइन भी होने, सपोज पेरेंट्स ने साइन भी कर लिए सपोज, ठीक है, ओके, इस तरीके के सपोज पेरेंट्स ने साइन भी कर लिए, मेरे फादर के साइन भी हो गए यहां पर। अब यहां पर आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल के या हेडमास्टर के साइन आपको चाहिए होंगे। तो जब आप दोनों फॉर्म्स को कंप्लीट कर लेंगे भर के, फिर आप दोनों फॉर्म्स को स्कूल ले जाएंगे और स्कूल में प्रिंसिपल के साइन करवाएंगे, और साथ ही साथ आप बोनाफाइड भी ले लेंगे कि आप आरएमसी एग्जाम के लिए कर रहे हैं। तो आरएमसी में जो बोनाफाइड चाहिए होता है, बेसिकली स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं, वो आप स्कूल से बनवा लीजिएगा, जिसमें आपकी फोटो लगी होनी चाहिए, आप अभी कौन सी क्लास में हो, आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, वो सारी चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए। ओके, तो वो भी आप बनवा लेना। तो यहां पर स्टाम्प लगेगी स्कूल के प्रिंसिपल की और स्कूल उसके साइन होंगे यहां पर, ठीक है, ओके। दोनों ही फॉर्म्स आपको ले जाने जरूरी है। और एक चीज और इसमें बहुत बढ़िया दिया रहता है, उसके बाद जब आप फॉर्म भर लोगे तो भेजते वक्त देखिए इसमें पूरी चेकलिस्ट भी दी है, तो आप जरूर इस चेकलिस्ट को देख लीजिएगा। मैं चेकलिस्ट एक बार आपके सामने रीड कर लेता हूं, ठीक है। स्पेसिफिकली जो चेकलिस्ट है इसमें, इसमें सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले दिया है द एफिक्स्ड फोटोग्राफ ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी साइन बाय द कैंडिडेट्स बिलो द फोटोग्राफ इन द बॉक्स। शुरुआत में जो मैंने आपको बताया था कि जहां पर बॉक्स में फोटोग्राफ लगेगी, नीचे अपने साइन, आपके साइन है या नहीं है चेक कर लीजिएगा, फोटोग्राफ लगेंगी। उसके अलावा दूसरा पॉइंट है, टू एडिशनल फोटोग्राफ्स मस्ट बी सेंड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ दो एडिशनली फोटोग्राफ्स भी जाती है, ड्यूली साइन बाय द कैंडिडेट्स ऑन द रिवर्स साइड, और उसके रिवर्स साइड में आपके साइन होने चाहिए, फोटोग्राफ के पीछे साइन कर लेना अपने। ये चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स डाले नहीं डाले। तीसरा क्या है, कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है उसका फोटो कॉपी अटेस्टेड बाई क्लास वन गजेटेड ऑफिसर। ओके, बहुत ईजी होता है, आपको हर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गजेटेड ऑफिसर मिल जाएंगे, जिससे आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट अटेस्ट करवा सकते हो। ओरिजिनल लेके जाना, वो कर लेंगे अटेस्ट, ठीक है। अच्छा, ओरिजिनल स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट, एक लौटा सर्टिफिकेट, यही ओरिजिनल आप आरएमसी को भेजते हैं, जो स्कूल से बनता है, जो स्कूल वाले बनाएंगे, उसको ओरिजिनल भेजना, उसको फोटोकॉपी मत करना। स्कूल वाले आपको ये ओरिजिनल स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट देंगे, उसमें आपकी फोटोग्राफ भी होगी अटेस्टेड बाय द प्रिंसिपल, उसमें प्रिंसिपल का के साइन, उनकी स्टाम्प भी होगी, उसमें मेंशन होगा कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं और आपकी एज क्या है स्कूल के रिकॉर्ड्स के हिसाब से, कौन सी क्लास में और क्या एज है आपकी, ठीक है, वो फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। एक मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, वो फॉर्मेट भी आपको दिखाऊंगा कैसा होता है, ठीक है। उसके अलावा सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप, ठीक है, प्रोस्पेक्टस में एक छोटा सा एनवेलप मिलेगा आपको, उसमें आपका अपना एड्रेस होगा, क्योंकि उसी में आपको एडमिट कार्ड आता है, और उसमें पोस्टेज स्टैंप लगती है 42 रुपीज की, ठीक है। तो अगर 42 रुपीज की आप बोलोगे सर नहीं मिल रही, 42 रुपीज नहीं हो पा रहे, तो 45 की कर लो, ठीक है, 42 से ज्यादा की करना, 50 की भी कर लो ना, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो एनवेलप होगा ना, जिसमें आप अपना एड्रेस लिखोगे, उसमें स्टैंप जरूर लगा देना, पोस्टेज स्टैंप लगाने जरूरी है, ठीक है, ओके। फिर वो जो स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज है ना, वो आपका एडमिट कार्ड उसको भेजेंगे आपके एड्रेस में। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी अगेन अटेस्टेड बाई क्लास वन गजेटेड ऑफिसर, और कैंडिडेट का आधार कार्ड दोनों साइड, ऐसे नहीं कि एक साइड फ्रंट साइड का आपने फोटो कॉपी कर लिया, दोनों साइड का फोटो कॉपी होना चाहिए, और वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, उसमें आपके साइन होने चाहिए बच्चे के, ठीक है। तो ये वो चेकलिस्ट है, 7 ये चेकलिस्ट है जो आप चेक करेंगे फॉर्म को भरते वक्त। और एक बार फिजिकल तरीके से भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, एक स्पेसिफिक वीडियो में उस पर भी आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। फाइनली क्या यहां पर नोट दिया है कि ओनली प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म्स विद सीरियल नंबर एंड आरएमसी होलोग्राम विल बी एक्सेप्टेड। आप देख सकते हैं इसमें आरएमसी का होलोग्राम भी है, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिख रहा है, ये होलोग्राम भी है इसमें, देखिए आरएमसी का, ठीक है। तो सिर्फ यही एक्सेप्टेड है, ऐसा नहीं कि आप इसकी फोटो कॉपी करके या फोटो स्टेट करके आप इसको फॉर्म भर के भेज रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। और साथ साथ में क्या लिखा हुआ है, टू बी सबमिटेड इन डुप्लीकेटेड टू द रिलेवेंट स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी टू द एड्रेस गिवन इन गाइडलाइंस फॉर एडमिशन, ठीक है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपने कहां भेजना है, पूरी गाइडलाइंस दी है, स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी को ही जाता है, आरएमसी को मत भेज देना है, ओके। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, वैसे तो बहुत सिंपल है, मुझे लगता नहीं रहा था कि ऐसी जरूरत पड़ती है, लेकिन हाँ, जो बच्चे नए हैं, जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे भरना है क्या भरना है, उनके लिए ये खासकर ये वीडियो था। एक चीज और बता दूं, अगर भरते वक्त थोड़ी सी भी गलती हो गई आपसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाइटनर का यूज करके आप उसको इरेज करके उसको दोबारा भर सकते हैं, फॉर्म खराब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्म को कोई मशीन रीड नहीं कर रहा है, इस फॉर्म को इंसान ही पढ़ेंगे, ओके। तो अगर कोई गलती हो गई, सपोज यहां पर आपने कुछ ऐसा कर दिया, तो इसमें व्हाइटनर लगा के आप इसको ठीक कर सकते हैं, ओके।
चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशनल वीडियो भी हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे। हमारा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, हिट द बेल आइकन, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्या इस वीडियो से हेल्प मिल रही नहीं मिल रही ज़रूर हमें बताइएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू सून, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।